प्रॉफिट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि दाएं की जगह बाएं हाथ का प्रयोग करना क्यों अशुभ है। भारतीय समाज में हम अपने सभी कार्यों को बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ से ही करना उचित समझते हैं। बात चाहे भोजन की हो, पूजा करने की हो या फिर दान देने की, हम हमेशा बाएं हाथ का ही प्रयोग करते हैं। न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि विदेशी संस्कृति में भी दाएं हाथ की जगह पर बाएं हाथ का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आखिर हमारी संस्कृति में बाएं हाथ को इतना शुभ क्यों माना गया है, तो आइए हम उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताते हैं। पहला कारण एक कारण यह है कि हमारी हृदय प्रणाली बाई ओर है। हमारे शरीर की प्रणाली कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि हम अपने बाएं हाथ का प्रयोग दाएं हाथ के मुकाबले ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप किसी गेंद को जोर से फेंकना चाहेंगे तो वह आपके दाएं हाथ से ठीक से जाएगा, जबकि बाएं हाथ से आप इसे ठीक से नहीं फेंक पाएंगे। अभी बाएं और दाएं हाथ के अलग अलग स्वभाव हैं। जब हम चलते हैं तो बाया हाथ आगे कर दाया पैर पीछे हो जाता है, और इसी के उलट दाया पैर आगे कर बाया हाथ पीछे होता है। यही हमारे सही चलने का तरीका है। कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाओं को छोड़कर हम सारी यौगिक क्रियाओं में बाएं पैर को पीछे ही रखते हैं। फिर बाएं ओर का हिस्सा संवेदनशील होता है। बाया हिस्सा आपका ज्यादा कोमल होता है, जिसे सही पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, और दाएं हिस्सा ज्यादा मजबूत होता है। जैसे जो भी काम आपको बाहरी तौर पर करना है वो आप दाएं हाथ से ही करेंगे, और अगर आपको किसी चीज की महसूस करना है तो अपने बाएं हाथ से करेंगे, क्योंकि यह हिस्सा संवेदनशील होता है। फिर बाएं हाथ को संवेदनशील कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाएं हाथ अधिक संवेदनशील होता है, जिसका इस्तेमाल कर हम कोमल चीजों को महसूस कर सकते हैं, और अगर हम इससे अन्य सारे काम करने लगे तो यह अपनी संवेदनशीलता खो देगा। जैसे जब हम गोल्फ खेलते हैं तो हमें ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमें संवेदनशील भाव की जरूरत पड़ती है। फिर बायां हमेशा कोमल होता है। कोमलता स्त्री का स्वभाव है और बायां हिस्सा फेमिनिन कहा जाता है। ज्यादातर लोग ने स्त्री और पुरुष को एक सामान्य देखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अंदर की स्त्री को मार डाला है और इसका उनको एहसास भी नहीं है। फिर स्त्री कमजोर नहीं है। आज पूरी दुनिया में हर जगह मर्द और औरत को बराबर का दर्जा देने का प्रयास हो रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि यह स्त्री को सामाजिक मूल्यों की वजह से कमजोर दिखने की कोशिश की जा रही है। यह एक्चुअली में अच्छी बात नहीं है। फिर स्त्री की हर तरह हमारे बाएं हाथ को भी कोमल और चौकन्ना होना चाहिए। सीधे हाथ का प्रयोग हमें जिंदा रहने, जैसे पैसा कमाने और अन्य कामों के लिए करना चाहिए। जब भी आप कोई संवेदनशील कार्य करें तो उसमें बाएं हाथ का प्रयोग करें। फिर बाएं को संवेदनशीलता के लिए बचा कर रखें। बाएं तरफ को एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप इस हाथ से व्यायाम भी ना करें। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप इस हाथ से कोई भी आक्रामक काम ना करें जो आप सीधे हाथ से करते हैं, वरना आपके अंदर कोई भी संवेदनशीलता नहीं बचेगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।